आर्मी ऑफिसर बनने की चाह रखने वाली कैसे बनी टीवी क्वीन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टीवी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी दैया की एक्टिंग जर्नी। अगर आप एक एक्टर और दिव्यंका के फैन हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इनकी एक्टिंग जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए बिना इंतजार करवाए आपको दिव्यंका त्रिपाठी की एक्टिंग जर्नी बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं दी कास्टिंग जोया। दिव्यंका त्रिपाठी का जन्म भोपाल की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नूतन कॉलेज भोपाल से की। क्या आप ये बात जानते हैं दिव्यंका बचपन से एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी से माउंटेनिंग का कोर्स किया और भोपाल राइफल एकेडमी से राइफलिंग शूटिंग का कोर्स, और राइफलिंग में उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। अब आप ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि दिव्यंका एक्टिंग फील्ड में कैसे आई। दरअसल दिव्यंका ने पहला ऑडिशन इंडियाज बेस्ट कॉन्टेस्ट के लिए दिया था। अब जब वो ऑडिशन के लिए गई थी तो किसी तैयारी के साथ नहीं गई थी। दरअसल उनकी दोस्त को ये ऑडिशन देना था और सिर्फ साथ देने के लिए वो उनके साथ गई थी। जैसे दोस्त कहती है कि मैं इस जगह जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी, चलो ना प्लीज़, उसी तरीके से दिव्यंका के साथ भी हुआ और वो अपनी दोस्त के साथ चली गई। वहाँ जाने के बाद दिव्यंका ने भी ऑडिशन दे दिया और उनका सेलेक्शन हो गया। दिव्यंका किसी तैयारी के साथ नहीं गई थी, ना ही उनको पता था कि उनका सेलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ से शुरू हुई दिव्यंका त्रिपाठी की एक्टिंग जर्नी। इसके बाद दिव्या ने 2003 में पैंटीन Z3 क्वीन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और मिस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब जीता। इसी तरह दिव्यंका ने 2005 में इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार की खोज में पार्टिसिपेट किया और भोपाल जोन से विनर रही। दिव्यंका त्रिपाठी ने मिस भोपाल का भी खिताब जीता है। दिव्यंका ने अपने टीवी करियर की शुरुआत दूरदर्शन के शो से की थी। फिर उन्होंने स्टार 1 के शो विरासत सीरियल में मालिनी का कैरेक्टर प्ले किया। फिर उस शो का टाइम आया जिसने दिव्यंका को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया। ये शो कोई और नहीं बल्कि बनू में तेरी दुल्हन था। अब मैं आपको बताती हूँ सीरियल बनू में तेरी दुल्हन के लिए ऑडिशन देने का मौका दिव्यंका को कैसे मिला। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, रियलिटी शोज करने की वजह से दिव्यंका को सहारा 1 की एक टेलीफिल्म मिली थी जिसका नाम था ओ साथी रे। और उस वक्त दिव्यंका नई थी, उनको बहुत अच्छे से एक्टिंग भी नहीं आती थी, बहुत सारी कैमरे की नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो शूट किया और इसी टेलीफिल्म के कारण उनको बनू में तेरी दुल्हन में अपॉर्चुनिटी मिली विद्या का कैरेक्टर करने के लिए जो कि लीड था। हुआ कुछ ऐसा, उस टेलीफिल्म में दिव्या के जो को स्टार थे वो गए थे बनू में तेरी दुल्हन के ऑडिशन के लिए, और वहाँ पर जाने के बाद उनको पता चला कि 6 महीने से प्रोड्यूसर्स इस शो के लीड एक्टर्स ढूंढ रहे जो कि विद्या का कैरेक्टर है, और वहाँ पर उन्होंने दिव्यंका को सजेस्ट किया इस कैरेक्टर के लिए, जिसके बाद दिव्यंका को कॉल आया। उस वक्त दिव्यंका अपने होम टाउन भोपाल में थी। दिव्यंका को शाकुंतलम टेलीफिल्म से कॉल आया और उनकी बात हुई कि उनको ऑडिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन दिव्यंका ने उस वक्त सीरियस नहीं लिया। उनको ऐसा लगा भोपाल की रहने वाली एक मिडिल क्लास लड़की को लीड के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था उस वक्त। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई लोग होंगे ऐसे ही, फ्रॉड लोग होंगे, फर्जी लोग होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगा। क्योंकि जब अचानक से आपको एक कॉल आता है और खास करके लड़की को आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें चलती हैं। तो दिव्यंका ने यकीन नहीं किया, उस कॉल को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो प्रोडक्शन वाले लगातार दिव्या को कॉल करते रहे। उसके बाद दिव्यंका ने सोचा कि चलो एक बार ऑडिशन देकर आते हैं। ये ऑडिशन देने के लिए वो अपने पापा के साथ ही जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें अक्सर दिव्यंका भोपाल से मुंबई अपने पापा के साथ ऑडिशन और शूट के लिए जाया करती थी। फिर वो अपने पापा के साथ ऑडिशन के लिए मुंबई पहुंच गई। मुंबई गई, ऑडिशन उन्होंने दिया, उनका लुक टेस्ट हो गया, वो फाइनल भी ऑलमोस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वो फाइनल हो गई है लीड के कैरेक्टर के लिए। जब वो भोपाल से मुंबई जा रही थी ऑडिशन के लिए, उन्होंने यही सोचा था कि ऐसे ही लोग होंगे, अपने पापा के साथ ऑडिशन देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी लोगों ने बदनाम कर रखी है। मैंने आपको एक बात हमेशा अपने वीडियोज़ में बताई है कि लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। देखिए, इंडस्ट्री कोई भी फील्ड की बात करूँ, अच्छी और बुरी नहीं होती है। जो फील्ड्स होती हैं उसमें जो लोग आते हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं, और उनसे ही लोग कहते हैं कि ये फील्ड अच्छी है, ये फील्ड बुरी है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्टर बनने की चाह रखते होंगे, जिनके पेरेंट्स ये कहते होंगे कि नहीं इस फील्ड में मत जाओ क्योंकि ये फील्ड बुरी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती,
उस फील्ड में जो लोग आते हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं, और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका जो काम है क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तभी आपको आपको सही रास्ता मिलेगा और मंजिल मिलेगी। अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो जाहिर सी बात है आपको आपका सही रास्ता भी नहीं मिलेगा, ना ही आपकी मंजिल मिलेगी। तो दिव्यांका त्रिपाठी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा था कि वो फील्ड अच्छी नहीं है, तो वो एक माइंडसेट उनके पापा के भी दिमाग में था। लेकिन जब वहाँ पर ऑडिशन दिया, उनका लुक टेस्ट दिया, लेकिन उनके पापा को लगा कि नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। फिर हुआ ये कि उनका प्रोमो भी शूट हो गया, होर्डिंग्स लग गए बसों पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए। एक आम लड़की जिसको लीड कैरेक्टर मिल गया और मुंबई की बसों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, सोचिए उस लड़की को कैसा फील हो रहा होगा। फिर शूट स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी दिव्यांका को कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये शो 6 महीने तक के चलेगा और उसके बाद वो अपने होम टाउन जाएंगी और आर्मी ऑफिसर बनने की तैयारी करेंगी। लेकिन दिव्यांका की किस्मत में लिख चुका था कि वो एक्ट्रेस ही बनेंगी, क्योंकि हुआ ये कि ये शो आया, ऑन ईयर हुआ 2006 में और दर्शकों द्वारा ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, जिसकी वजह से ये शो लगातार चलता रहा। ये शो 2006 में आया था और 2009 में बंद हो। इस शो के बाद दिव्यांका की एक स्वीट सीधी सादी कैरेक्टर प्ले करने वाली लड़की की छवि बन गई। इस शो के बाद दिव्यांका ने कई सारे शोज के लिए ऑडिशन दिए, ऑलमोस्ट सिलेक्शन भी हो जाता था, सारी बातें क्लियर हो जाती थी, लेकिन लास्ट में उन्हें कहा जाता था कि हम इस शो के लिए कोई फ्रेश फेस ढूंढ, और वो वक्त दिव्यांका के लिए काफ़ी मुश्किल था। आप इमेजिन करिए, सोचिए, एक लड़की जिसको लीड रोल मिल गया, वो पॉपुलर हो गई, लोग उसको जानने लगे उस शो से, लेकिन उसके बाद उसके पास काम नहीं था। लेकिन दिव्यांका ने हार नहीं मानी, उसने सोच लिया एक एक्टर होने के नाते जो एक छवि बन गई है स्वीट सीधे साधे कैरेक्टर प्ले करने वाली लड़की का, वो इस छवि को तोड़ेंगी और ऑडिशन लगातार देती रहेंगी। उन्होंने किया भी यही, वो लगातार ऑडिशन देती रही और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बनू मैं तेरी दुल्हन के बाद दिव्यांका ने कई शोज में कैरेक्टर रोल भी प्ले किए। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी शो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले साइन किया, और फिर उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अदालत, रामायण, सावधान इंडिया, कॉमेडी सर्कस जैसे शोज किए। अब दिव्यांका फिर से डेली सोप करना चाहती थी, क्योंकि दिव्यांका ने बनू में तेरी दुल्हन में एक सीधी सादी लड़की का रोल प्ले किया था और उसके बाद कई सारे कैरेक्टर प्ले किए, क्योंकि दिव्यांका अच्छी तरीके से जानती थी कि एक एक्टर होने के नाते उनको कई सारे अलग अलग तरह के कैरेक्टर प्ले करने। फिर उनको बालाजी के प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया, ये है मोहब्बतें के लिए, उनको सीरियल ये है मोहब्बतें के लिए साइन कर लिया गया इशिता के कैरेक्टर के लिए। ये शो 2013 में शुरू हुआ और 2019 में खत्म हुआ। इस शो को दर्शकों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, और इसी शो के दौरान दिव्यांका ने नच बलिए सीजन 8 में पार्टिसिपेट किया अपने पति के साथ और वो इस सीजन को जीत गई। इसके बाद उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में पार्टिसिपेट किया और वो फाइनलिस्ट बने। तो वही दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, इस फील्ड में हार्ड वर्क और लक दोनों ही चलता है। मान लीजिए आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप अपना टैलेंट कहाँ दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एक एक्टर के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर पेशेंस की कमी है। तो गाइज, अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो मेहनत करिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि सही टाइम आने पर आपको काम मिलेगा और आप भी एक सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे। आशा करती हूँ कि आपको दिव्यांका की एक्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।